जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज TV। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शाह का फर्जी वीडियो, 5 कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। सभी जरूरी मुद्दों को भूल चुकी है भाजपा, लालू प्रसाद यादव। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भी CID ने दर्ज किया नया केस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शाह का फर्जी वीडियो, 5 कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार, मिली बेल। हैदराबाद पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल में वायरल फर्जी वीडियो के मामले में तेलंगाना में कांग्रेस के 5 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 10,000 रुपए के 2 मुचकलों पर जमानत दी। अदालत ने उन्हें अगले आदेश तक सोमवार और शुक्रवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सभी जरूरी मुद्दों को भूल चुकी है भाजपा, लालू प्रसाद यादव। देश में प्रचलित लाखों करोड़ों शब्दों में से भाजपा वालों को सिर्फ पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मछली, मुगल, मंगलसूत्र, गाय, भैंस शब्द ही पसंद हैं। वो नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र, विज्ञान, नौजवान इत्यादि मुद्दे वो भूल गए हैं। बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है कि भाजपा और उनके साथी आम आदमी से जुड़े मुद्दों की बात कब करेंगे। भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ CID ने दर्ज किया नया केस। जनता दल नेता एवं कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से NDA उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहे CID ने पार्टी की एक कार्यकर्ता की शिकायत पर उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है। CID ने बलात्कार के आरोपों के अलावा प्रज्वल के खिलाफ शिकायतकर्ता को धमकाकर तांक झांक करने, निर्वस्त करने, वीडियो बनाने और तस्वीरें लेने से संबंधित धाराएं भी लगाई है। शिकायत में महिला ने कहा कि प्रज्वल ने बंदूक के बल पर उसके साथ बलात्कार किया और अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाया। वे उसे सांसद क्वार्टर ले गए, जहां हथियार के बल पर अपराध को अंजाम दिया। साथ ही धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे और उसके पति को भी मार डालेंगे। शिकायत के अनुसार आरोपी ने इच्छा पूर्ति के लिए मजबूर किया और सहयोग न करने पर उसका वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।